Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome, dear colleagues, to VU001 Faculty Training Course. My name is Dr. Noman Abdullah, and I will be leading you through its education content. The topic for today's session is Bloom's Digital Taxonomy. As you have studied Bloom's original taxonomy and its revised taxonomy in the previous videos,

डिपिक्ट करते हैं उसके जो पहले तीन लेवल्स हैं उनको हम लॉट्स कहते हैं यानी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और एज वी मूव अपर टूवर्ड्स दैट पिरामिड तो उसकी जो अपर थिंकिंग लेवल्स हैं अपर कॉग्निटिव लेवल्स हैं उनको हम हॉट्स कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आप उसको ब्रीफली पिछली वीडियोस में देख चुके हैं इसलिए हम अब उसको स्टडी नहीं करेंगे यहाँ पे अब हम बात करते हैं जो इसकी लेटेस्ट एक रिवीजन है इसकी जो स्टेज हैं वो आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर हैं ब्लूम्स की रिवाइज टेक्सोनोमी के लिए इस हिरारकी में लर्निंग एक्टिविटीज बताई जाती हैं डिजिटल एनवायरमेंट के मुताबिक इट रियलाइजेज द नीड ऑफ अ Technologically enhanced learning approach and how to use digital technology to facilitate the teaching learning process. इस स्लाइड में जो आप व्यू कर सकते हैं हम ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहे हैं इस स्लाइड में जैसे कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी की तो ये एक लेफ्ट टू राइट आपको एक ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन उसकी इमेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा हो होगा इसकी लेफ्ट साइड की जो स्किल्स हैं उनको हम कहेंगे लॉट्स यानी इसकी पिरामिड की तरह की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगी लिटरेचर में ज़्यादा लेफ़्ट टू राइट या अपवर्ड मूवमेंट्स नज़र आएंगी तो इस पिक्चर में लेफ्ट साइड की जो तीन स्किल्स हैं उनको हम लॉट्स कहेंगे और जो स्टार्ट होती है रिमेम्बरिंग से जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो लेवल्स हैं वो वही हैं जो ब्लूम्स की रिवाइज टेक्सोनोमी में थे जब हम राइट right साइड पे इसके जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लेवल्स आते हैं जिसका लास्ट लेवल जो सिक्स स्टेज है वो क्रिएटिंग है अब हम इसके पर्पस की बात करते हैं कि ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी का पर्पस क्या है इसका पर्पस ये है कि इंस्ट्रक्टर्स को बताया जाए कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है और डिफरेंट जो डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं उनको स्टूडेंट लर्निंग एनवायरनमेंट में कैसे इम्बैट करना है ताकि हमारे आउटकम्स फैसिलिटेट हो सकें यानी आप सब लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं आप सब लोगों ने जब पढ़ाना है जब इवेलुएट करना है जब कॉन्टेंट क्रिएट करना है जब असाइनमेंट क्वेश्चन बनाने हैं तो ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी आपको हेल्प करेगी कि टेक्नोलॉजी को और डिजिटल टूल्स को हम इम्बेड कर सकें स्टूडेंट्स के लर्निंग एक्सपीरियंसिस को इनहानस करने के लिए दूसरा बहुत अहम इसका मकसद ये है कि इट एम्स टू एक्सपेंड अपॉन द स्किल्स अब आप जानते हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात होती है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में तो हर लेवल के साथ कुछ स्किल्स एसोसिएटेड हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इनएविटेबल है इस डिजिटल एरा में तो हम लेवल्स के साथ जो स्किल्स एसोसिएटेड हैं उनको कैसे हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं मैप कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को ज़्यादा फैसिलिटेटिव बनाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अब हम इसके लेवल्स को देखते हैं उसकी इग्जाम्पल्स लेंगे किस तरह से टूल्स उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए एग्जाम्पल्स हम आपके लिए प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे लेवल इसका वही है जो रिमेंबरिंग है ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी का रिमेंबरिंग एज यू नो बाय डेफिनेशन इज बीइंग एबल टू रिट्रीव समथिंग फाइंड एंड एक्सेस नेसेसरी रिसोर्स तो डेफिनेशन में आपने देखा है कि को कोई ज़्यादा फर्क नहीं है अब इसके साथ हमने डिजिटल स्किल्स और डिजिटल टूल्स को मिलाना है ताकि हम लर्निंग को मॉडर्न इरा के मुताबिक कर सकें इसकी एग्जाम्पल लेते हैं तो आइडेंटिफाइंग और बीइंग एबल टू रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन और बुक मार्क दैट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स और वेबसाइट इसमें हम जब हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं तो हमने अपनी एग्जाम्पल्स को डिजिटल टूल्स के साथ रिलेट करना है इसका आपने देख लिया इसकी जो फिलॉसफी है वो वही है कि हमने कागनेटिव उसके स्टूडेंट के लेवल्स को हिट करना है उनको इंस्टिगेट करना है लेकिन हम इसके साथ एम्बेड करते जाएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को पहली स्टेज पे रिमेंबरिंग में हमने स्टूडेंट को यूज़ करना सिखाना है डिजिटल टूल्स को कि वो अपना जो रिमेंबरिंग की डेफ़िनेशन है यानी वो चीज़ों को लोकेट कर सके रिकॉल कर सके नेसेसरी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सके और उसको बुक कर सके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए सेकेंड लेवल इसका अंडरस्टैंडिंग है अंडरस्टैंडिंग का माना आप जानते हैं बींग एबल टू कंस्ट्रक्ट सम मीनिंग और बिल्ड रिलेशनशिप आउट ऑफ द कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट तो यही डेफिनेशन यकीन आपने ब्लूम्स की ओरिजिनल टेक्सॉनॉमी में पढ़ी होगी यही इसका कॉन्सेप्ट आपने ब्लूम्स रिवाइज टेक्सॉनॉमी में पढ़ा होगा अब एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि डिजिटल टूल्स को कैसे हम इम्बेड करेंगे इसमें कैटेगराइज एंड टैग डिफ़रेंट बुक पहले स्टेज पे हमने बुक मार्क करना सिखाया स्टूडेंट को कि इसेंशियल इंफॉर्मेशन को लोकेट कैसे करना है उसको बुक कैसे करना है अब हम उसको बताएंगे कि मुख्तलिफ जो आपने बुक कर लिए हैं अब उनको एक कैप्शन के अंदर टैगिंग कैसे करेंगे मिसाल के तौर पर अगर हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरह ये अंडरस्टेंडिंग हो जानी चाहिए कि मेरे वेरिएबल्स के प्रो कौन से लिंक्स मैंने बुक किए हैं और उसके अगेंस्ट कौन से लिंक्स मैंने बुक मार्क की हैं तो उनको टैग करेगा कौन सी रिसर्च उसकी स्टडीज के साथ सिमिलर हैं कौन सी रिसर्च उसके हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जा रही हैं ये मल्टीपल टैगिंग्स जो हैं ये स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल में कर लेगा को पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना ना सिर्फ पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना बल्कि डिफरेंट कोलीग्स के साथ उसको शेयर कर देना जैसे मिसाल के तौर पर एंडोस्कोपी है या लेप्रोस्कोपी है तो एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंडिंग लेवल हम उस वक्त कहेंगे कि वो अचीव कर चुका है जब वो नेट पे एंडोस्कोपी को लेप्रोस्कोपी को क्लोनोस्कोपी को डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर पाएगा कि तीनों में फ़र्क क्या है और ना सिर्फ वो उनकी पिक्चर्स को डिफरेंट टैगिंग के साथ लोकेट कर पाएगा बल्कि शेयर भी कर पाएगा अंडर डिफरेंट हेडिंग्स इसी तरह किसी भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखने को हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की स्किल कहेंगे जो स्टूडेंट ने सीख ली है अब हम इसके तीसरे लेवल की तरफ आते हैं जो कि वही है जो ब्लूम्स की रिवाइज टेक्स्रनोमी में था अप्लाइंग अप्लाइंग की डेफिनेशन आप जानते हैं कि जो नॉलेज आपने एक्वायर कर लिया जो अंडरस्टैंडिंग आपने क्रिएट कर ली अब उसको अप्लाई करना है अनफोरसीन सिचुएशन में यानी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको फर्स्ट हैंड आपने वो चीज़ अटेम्प्ट करनी है तो उसके लिए आपके दिमाग की जो स्किल रिक्वायर्ड होगी वो अप्लाइंग लेवल स्किल रिक्वायर्ड होगी मिसाल इसकी देखें हम अगर डिजिटल टूल के साथ तो एक प्रेजेंटेशन बना लेना पहले हमने देखा कि उसको पता होगा कि मेरे सोर्सेज़ कौन से हैं मैंने इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है अंडरस्टैंडिंग लेवल में उसने उसको टैग कर लिया उससे रिलेटेड लिटरेचर फाइंड कर लिया उससे रिलेटेड उसने पिक्चर्स इमेज़स ग्राफ्स उसने मॉडल्स को उसने लोकेट कर लिया बाइफरकेट कर लिया अब उसके बाद वो एक नई इंफॉमेशन यानी एक प्रेजेंटेशन बनाएगा जिसके लिए डिफरेंट टीचिंग टूल्स यूज़ होंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ होगी कोई डॉक्यूमेंट या कोई सिमुलेशन वो बनाएगा ई e टूल्स के मुताबिक इसकी एक और मिसाल हम लेते हैं विकी पेजेस जो हैं विकी मीडिया पे जब हम विकीपीडिया का कोई पेज एडिट कर पाएगा स्टूडेंट या वेब पेज को ऑपरेट कर पाएगा तो फिर हम कहेंगे कि उसने अप्लाइंग लेवल स्किल को अचीव कर लिया है लेवल उसका पहुंच चुका है टेक्सोनि के मुताबिक फोर्थ स्टेज इसकी एनालाइजिंग है एनालाइजिंग की डेफ़िनेशन आप लोग जानते हैं पिछले लेक्चर्स में डॉक्टर नासिर साहब ने उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की है कि एनालाइजिंग क्या है एक लार्जर चंक को डिफरेंट सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेना लॉजिकल सीक्वेंस के मुताबिक इस तरह से कि उस हर यूनिट के अंदर कोई रिलेशनशिप या कोई कॉजल इफ़ेक्ट जो एसोसिएशन है वो ईज़िली आप आइडेंटिफाई कर सकें इसका पर्पज़ ये है कि आप एक लार्जर चंक को एक लार्जर इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सेगमेंट्स में ना सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकें बल्कि उनको समझ भी सकें और उससे कोई मीनिंगफुल डाटा इंटरप्रेट कर सकें एक इंफॉर्मेशन से आप डाटा को और डाटा से आप एक अनालज्ड एनालिसिस तक पहुंच सकें जिसकी अगर हम मिसाल लें तो आप सब लोग चूँकि टीचर्स हैं और आप लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट uh, से मुझे सुन रहे हैं इस टाइम डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम रिसर्च की एक्टिविटीज़ करवाते हैं रिसर्च थीसिस करवाते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स करवाते हैं तो उसके लिए एक इसेंशियल फीचर है इसेंशियल कंपोनेंट है वो डाटा कलेक्शन है तो ई टूल्स पे जाके ई सर्विस पे जाके जब हमारा स्टूडेंट डाटा कलेक्ट करना ना सिर्फ फॉर्म बनाना बल्कि उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करना गूगल ड्राइव के ऊपर जब उसके पास डाटा आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करना उसको मीनिंगफुल मीनिंगफुलिस में लेके आना और उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना जब वो स्टूडेंट सीख जाएगा ऑनलाइन टूल्स के थ्रू जो इजीली अवेलेबल हैं डिजिटली ऑनलाइन तो फिर हम कहेंगे कि उसने एनालिसिस लेवल के साथ जो स्किल रिक्वायर्ड थी वो उसके ब्रेन ने अचीव कर ली है इसकी एक और मिसाल है कि हम डिफरेंट टूल्स देखते हैं उनको मैप कर लेना ऑनलाइन कि ऑब्जेक्टिव डाटा के लिए मेरे पास कौन सा टूल होगा सब्जेक्टिव डाटा के लिए मेरे पास कौन सा टूल होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए मेरे पास डिफरेंट टूल्स कौन से होंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इन सब डिफरेंट टूल्स को मैप कर लेना एनालिसिस लेवल की स्किल्स कहलाएगा नेक्स्ट लेवल इसका एवेलुएटिंग है एवेलुएटिंग का माना है कि हम क्राइटीरिया बेस्ड जजमेंट कर सकें उस जजमेंट के पीछे हम अपनी इवेल्यूशन की स्किल्स को लगा सकें यानी जजमेंट कर सकें क्रिटिक की बेसिस पे हम पॉजिटिव नेगेटिव्स को डूज एंड डोंट्स को प्रोज एंड कॉन्स को जब इवेलुएट कर पाते हैं किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए और अपनी वैल्यू जजमेंट देने के लिए तो फिर हम कहते हैं कि हमारा कॉग्निटिव लेवल अब इवेलुएटिंग स्किल तक पहुंच चुका है डिजिटल टूल्स के साथ इसको हम कैसे रिलेट करेंगे वो हम एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि हमने कोई ब्लॉग क्रिएट किया अब उसके बाद उसके जो कमेंट्स आ रहे हैं आप लोग जानते हैं पॉडकास्ट के साथ डिफरेंट uh, जो आजकल वी हैं या ब्लॉग्स हैं उनके ऊपर कुछ लोग जनरल ऑडियंस या टेक्निकल ऑडियंस उसके ऊपर कुछ कॉमेंट्स करती है उन कॉमेंट्स को ना सिर्फ मॉडरेट करना उन कॉमेंट्स को समझना डिसाइफ़र करना और फिर उसके ऊपर अपनी जजमेंट देना कि ये मेरा सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा या इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया तो उसका क्या मकसद है उन्हीं कमेंट्स को रियल टाइम में फीडबैक देना और डिफरेंट जो डिस्कशन बोर्ड्स हैं उनके साथ उस टाइम को करना ये भी एक लेटेस्ट स्किल है कि हमारे पास जैसे अगर आप एल में देखें तो हमारे पास एम है जी है इसी तरह अगर आप किसी और एल को देखें ये तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एल एम एस हैं जिसके ऊपर ये रिसोर्स अवेलेबल हैं अगर आप मूडल को देखिए एडेक्स को देखिए तो उसके ऊपर डिफरेंट डिस्कशन बोर्ड्स हैं जो एक फ्रेम में आपके पास अवेलेबल नहीं है उन सब के साथ कोलेबोरेट करना ये जानते हुए कि किसी की पॉजिटिव्स क्या हैं किसी में लैगिंग क्या है किसी में एक्सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं है, उन सब के साथ कोलेबोरेट कर लेना इवेलुएटिंग लेवल स्किल कहलाएगा लास्ट स्टेज ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी की वो क्रिएटिंग है और क्रिएटिंग में हम ये देखते हैं कि पिछली पांचों स्किल्स की बेसिस पे हमारा जो कैंडिडेट है जो इंडिविजुअल है अब वो कोई चीज़ क्रिएट करने की पोजिशन में आ गया है भले वो नॉलेज हो भले वो प्रोडक्ट हो चाहे वो एक कोहिरेंट प्रोसेस हो तो इसमें हमारी पिछली तमाम स्किल्स जो उसने एक्वायर कर ली हैं ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी के मुताबिक उसके बाद वो कोई चीज़ क्रिएट कर पाएगा यानी हर अगली स्टेज पिछली स्टेज के ऊपर डिपेंडेंट इस तरह से है कि टेक्नोलॉजी जब तक वो अचीव करते करते उस स्टेज तक नहीं पहुंचेगा वो अगली स्टेज को कंप्रिहेंड नहीं कर पाएगा एग्जांपल इसकी ये है कि आपने कोई आउटकम देखने हैं यानी हमारे पास वर्चुअल uh, यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट के लोग इंटर्नशिप्स करवाते हैं एजुकेशन के लोग टीचिंग uh, प्रैक्टिस करवाते हैं स्कूल्स में साइकोलॉजी के लोग हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में भेजते हैं सोशल वर्क के लोग कम्युनिटी में भेजते हैं मैथ्स के लोग अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स करते हैं इसी तरह कंप्यूटर के स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई प्रोजेक्ट बना के लाते हैं कोई प्रोडक्ट बना के लाते हैं कोई आउटकम लेके आते हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में तो उसको इवेलुएट करना जब हम सीख जाते हैं या स्टूडेंट को सिखा देते हैं तो एक हमारे पास एक प्रोडक्ट या प्रोसेस या आउटकम की सूरत आती है उसको देख लेना हाँ ये कहलाएगा कि ये क्रिएटिंग लेवल की स्किल उसने अचीव कर ली है कंप्यूटर साइंस के लोग जब कोई प्रोग्राम बना लेंगे इसी तरह जब हम इंटर्नशिप रिपोर्ट लेके आते हैं और उसके बाद हम एक प्रोसेस को समझ लेते हैं और अपना एक सलूशन देते हैं उसके अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो इसका मतलब है कि हमारे स्टूडेंट ने क्रिएटिंग लेवल स्किल हासिल कर ली है एजुकेशन के लोग जानते हैं जब टीचिंग प्रैक्टिस पे जाते हैं तो जब स्टूडेंट एक 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 कम्प्रीहसिव टीचर की शक्ल इख्तियार कर लेता है टीचिंग प्रैक्टिस से गुजरने के बाद तो हम कहते हैं अब ये कॉम्पैक्ट टीचर बन गया है तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ मिसालें दी जो प्रोडक्ट की प्रोसेस की और एक आउटकम को डिपिक्ट करता है इन सब में डिजिटल स्किल्स इन्वॉल्व हैं इन सब में पिछली स्किल की बेसिस पे अगली स्किल की तरफ जाना रिक्वायर्ड है डियर कोलीग्स हम ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर बात करेंगे आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस वक्त मौजूद है आप देख सकते हैं कि हर ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी के लेवल के साथ आगे हमने आपकी आसानी के लिए कौन से वर्ब्स हैं और उनके साथ कौन से टूल्स एसोसिएटेड हैं लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के लिए इसकी हमने एक ग्राफिकल समरी प्रेजेंट की है इसी को हम अगर आ, टेक्स्ट में देखना चाहें तो हम एक एक लेवल को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रिमेंबरिंग आप जानते हैं कि रिकॉल करना बेसिक कॉन्सेप्ट को या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को मटीरियल को सीख करना तो इसके लिए टूल्स या टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होगी या स्किल कौन सी यूज़ होगी वो बुक मार्किंग है कॉपिंग है गूगलिंग है हाइलाइटिंग है नेटवर्किंग है तो अब ये बताने का मकसद क्या है कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट के क्वेश्चन बनाने हैं आप लोगों ने जो आइटम बैंक बनाना है जिसको आप एल में क्विज बैंक के लिए या एग्जाम सॉफ्टवेयर में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए उस असाइनमेंट को डिज़ाइन करने के लिए अब आप देखेंगे कि हम ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी के मुताबिक ये टूल्स ये एक्शन वर्ब्स कैसे इंकारपोरेट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए चूँकि हमने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट को और कंस्ट्रक्ट्स को मीनिंगफुल रिटर्न मटीरियल में देखना है तो उसके लिए हमें एडवांस सर्चिंग की स्किल चाहिए अपने स्टूडेंट में हमें एनोटेटिंग की ब्लॉग जर्नलिंग की ट्वीटिंग की टैगिंग की इस तरह की हमें स्किल्स चाहिए जो हम अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहेंगे अप्लाइंग इसके थर्ड लेवल में हमने एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग को नॉलेज को अप्लाई करना है किसी सिचुएशन में तो इसके लिए टूल्स या टेक्निक्स कौन सी होंगी इम्प्लीमेंट करने की प्ले करने की या अगर कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो हैकिंग करने की एनालाइजिंग नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं तो हमने डिफरेंट जो ब्रेक डाउन किया है कंपोनेंट्स उसके अंदर मीनिंगफुल सीक्वेंस को समझना है तो हम क्या कहेंगे कि मैशिंग या माइंड मैपिंग या सर्वेइंग लिंकिंग एनालाइजिंग तो इस तरह के डिफरेंट जो ऑनलाइन टूल्स आप देखें जो स्टूडेंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपनी असाइनमेंट में या क्वेश्चंस में तो हम वो इसके अंदर शामिल करना चाहेंगे एवेलटिंग के लिए क्या है कि आपने एक डिसीजन लिया आपने एक स्टांस लिया उसके ऊपर अपनी वैल्यू जजमेंट दी आपने कोई क्राइटीरिया बनाया तो ये चीज़ें देखने के लिए आपके पास जो टूल्स अवेलेबल हैं वो ग्रेडिंग का एक टूल है नेटवर्किंग का एक टूल है रेटिंग का टेस्टिंग का इवेल्यूटिंग का कॉमेंटिंग कामेंटिंग का, के बाद क्रिटिकिंग का तो ये डिफरेंट हम असाइनमेंट की ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं कि हम एक टेक्सट दे सकते हैं स्टूडेंट्स को एक ब्लॉग की शक्ल में और उसमें कह सकते हैं कि ये कॉमेंट्स हुए हैं इनको एड्रेस करें इसके ऊपर आपके क्या फीडबैक है या डिफरेंट हम उन्हें कंपोनेट्स दे के कह सकते हैं कि इसके अंदर आप मीनिंगफुल सिक्वेंसिस ड्रा करें और अपनी वैल्यू जजमेंट इसके अंदर दें इसी तरह जो लास्ट स्टेज है वो क्रिएटिंग है तो उसमें आप जानते हैं हमने कोई औरजनल वर्क या कोहिरेट नया प्रोसेस या आउटकम क्रिएट करना होता है तो उसके लिए हम एनिमेट के टूल को यूज़ कर सकते हैं फिल्मिंग के लिए पॉडकास्टिंग के लिए हम एक एक टूल को बड़ा हेल्पफुल रहता है वो स्टूडेंट्स के लिए आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में क्योंकि जब हम पॉडकास्ट क्रिएट करने का अपने स्टूडेंट को कहेंगे वो किसी भी स्ट्रीम ऑफ फील्ड से हो सकता है तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी पिछली तमाम स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उस असाइनमेंट का उस क्वेश्चन का जो आप स्टूडेंट के साथ करना चाहते हैं वीडियो ब्लॉगिंग है या कंप्यूटर वाले प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टिंग मैस कम्युनिकेशन वाले डायरेक्टिंग की टूल्स को यूज़ कर सकते हैं इन्हीं ये जो अभी हमने पिछली स्लाइड में आपने देखा जो मैंने गुफ्तू की है उसी को अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में दिखाएं तो ये डिफरेंट ये शॉर्ट एक आ, उसका ब्रीफ़ ओवरव्यू है जो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल है हम इसमें मल्टीपल टूल्स यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ इसके अंदर दे सकते हैं डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी में या किसी भी ब्लूम्स की टेक्सोनोमी में एक्शन वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ब से क्या मुराद है कि जब हम चाहते हैं कि हमारा हमारी ऑडियंस एक ख़ास लेवल ऑफ कॉग्निशन को इंस्टिगेट करे उसको हिट करे उसको यूज़ करें और उससे रिलेटेड अपनी स्किल को इन्हांस करें तो उसके लिए हम एक्शन वर्ब से फ्रेज करते हैं अपना क्वेश्चन या अपनी स्टेटमेंट तो रिमेंबरिंग के लिए जो ज़्यादा एक्शन वर्ब्स यूज़ हो सकते हैं वो वैसे तो ये चार्ट आपके सामने है लेकिन मैं इसमें जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कॉपिंग सर्चिंग डुप्लीकेटिंग बुक मार्किंग बुलेट पॉइंटिंग रिट्रीविंग तो ये वो चीज़ें हैं जो हम अपना क्वेश्चन को फ्रेज़ करें या अगर हम हैंड बना रहे हैं रीडिंग मटेरियल बना रहे हैं मॉडल कोर्स के लिए तो उसके लिए अगर हम इस तरह के साथ अपने एक्शन वर्ब्स को यूज़ करते हुए जाएंगे तो स्टूडेंट की ब्रेन का ये रिमेंबरिंग लेवल इंस्टिकेट होगा और इससे रिलेटेड वो स्किल जो हम पिछले मॉड्यूल्स में देख चुके हैं वो स्किल्स को स्टूडेंट एक्वायर करेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए जो 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 हम एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं वो टैगिंग है एसोसिएटिंग है ट्वीटिंग है एस्टिमेटिंग है एग्जैंप्लीफाइंग है प्रिडिक्टिंग है कंपेयरिंग है और कंट्रास्टिंग है कमेंट्स भी हम कर सकते हैं यानी कमेंट्स से भी हम अगर, अगर अपना जुमला शुरू करें अपना क्वेश्चन फ्रेज करें अपनी स्टेटमेंट को इनिशिएट करें तो कमेंट में भी उसका नॉलेज uh, लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल इंस्टिगेट होगा अप्लाइंग में हम जो एक्शन वर्ब यूज़ कर सकते हैं वो डिस्प्लेइंग है एग्जीक्यूटिंग है इम्प्लीमेंटिंग है स्केचिंग है इंटीग्रेटिंग है प्रिपेयरिंग है आर्टिकुलेटिंग है एग्जामिनिंग है और एक्टिंग आउट है तो ये डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रीम ऑफ स्टडी कौन सा है हमारा डिसिप्लिन कौन सा है और हम अपने करिकुलम में किस लेवल पे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते हैं कि करिकुलम भी हमारा ब्लूम्स की टेक्सोनोमी के मुताबिक या किसी भी टेक्सोनोमी के मुताबिक वो ईजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ मूव करता है तो इसी तरह जब हमने क्वेश्चन बनाने हैं ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी में तो उसको भी हमने एक फ्रेम के मुताबिक करना है कि ईजी से एडवांस स्किल की तरफ हमने जाना है जिसको हम इस जुबान में लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ मूवमेंट कहते हैं एनालाइजिंग में एक्शन बर्ब ज़्यादा यूज़ होते हैं वो माइंड मैपिंग है मैशिंग है ब्रेकिंग डाउन है कैलकुलेटिंग है डिड्यूसिंग है इन्फ्लेंसिंग है क्वेश्चनिंग है स्ट्रक्चरिंग है रीस्ट्रक्चरिंग है तो ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन हैं एक्शन वर्ब्स के लिए एनालिसिस लेवल के लिए इवेलुएटिंग के लिए जो एक्शन वर्ब्स ज़्यादा यूज होते हैं वो डिफेंडिंग है डिटेक्टिंग है और गोइंग है वैलिडेटिंग है टेस्टिंग है स्कोरिंग है यानी आप लोग जब स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स को मार्क कर रहे हैं तो आप लोग जो जो कुछ करते हैं वो इवेल्युएटिंग में आएगा आप लोग उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं देखने के बाद कि उनमें कहाँ कमी है पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं आप कमी उसके बाद उस पॉसिबल इम्प्रूवमेंट आप उसके अंदर मेंशन करते हैं फिर आप रेटिंग करते हैं फिर आप अपनी रिफ्लैक्शिंग रिफ्लैक्शन uh, देते हैं फिर आप उसको स्कोर करते हैं फिर आप वैल्यू जजमेंट देते हैं कि गुड है या पुअर है या नीड्स इम्प्रूवमेंट है और ये सारा प्रोसेस इवेल्यूटिंग का कहलाता है अब अगर यही स्किल हम अपने स्टूडेंट्स में मुतारफ़ करवाना चाहते हैं इनहेंस करवाना चाहते हैं तो असेसिंग क्रिटिसाइजिंग डिबेटिंग डिफेंडिंग ये वाले एक्शन वर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं लास्ट स्टेज में क्रिएटिंग है इसकी बहुत अच्छी मिसाल ब्लॉगिंग है वीडियो लॉगिंग है जिसको व्लॉग कहते हैं डिवाइसिंग है पॉडकास्टिंग है विकी बिल्डिंग है आजकल डिफरेंट साइट्स हैं जिसके ऊपर हम अपने पेजेस बना सकते हैं वेब के पेजेस बना सकते हैं अपने पर्सनल ब्लॉग्स बना सकते हैं किसी खास आइडिया के ऊपर हम कमेंट कर सकते हैं डिस्कशन फोरम्स बना सकते हैं टेट टॉक्स हैं अपने पर्सनल सिस्टम के ऊपर बैठ के हम कोई पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हैं तो ये सब चीज़ें क्रिएटिंग में आएंगी तो इन एक्शन वर्ब्स को जब हम अपनी असाइनमेंट्स में जब हम अपने हैंड में जब हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है हम ये वाली स्किल को एड्रेस करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स में अच्छा अब हमने ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोलोमी के छः लेवल्स को देख लिया उसकी एग्जाम्पल को देख लिया उसके साथ जो टूल्स एसोसिएटेड हैं उनको हमने स्टडी कर लिया और जो एक्शन वर्ब्स हैं उनको भी हमने ब्रीफली गो थ्रू कर लिया अब हम देखते हैं कि क्लासरूम में इसकी एप्लीकेशन क्या है ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनी के लिए आप सब लोग चूंकि टीचर्स हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है इसकी क्लासरूम की एप्लीकेशन को समझना आप लोग अपनी टीचिंग को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टूडेंट्स की लर्निंग को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अगर आप ये एक्शन वर्ब्स को समझ लीजिए और इनको इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स की लर्निंग इंटेंशंस बताने के लिए दिस इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ़ द स्टूडेंट्स तो ये जो हमारे एक्शन वर्ब्स हैं इनके सही इस्तेमाल से स्टूडेंट को भी क्लियर मीनिंग पता चल जाता है कि इससे टीचर क्या चीज़ हमसे अखज़ करना चाहता है जब हम वो एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे तो टीचर अपने ज़मीर को यानी अपने कॉन्टेंट को बेहतर तौर पर प्रजेंट कर पाएगा जैसे हम जानते हैं किसी भी content को शुरू करने के लिए हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं तो हम पहले लेवल को हिट कर रहे होते हैं फिर उसके बाद जब उसकी एग्ज़ाम्पल पे आते हैं तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम हिट कर रहे होते हैं इसी तरह हम चलते चलते आखिर में जब हम एक दो क्लासेस के बाद या अगले चैप्टर्स में जाने के बाद या जम फोर्थ नाइटली मूव करने के बाद डिफरेंट चैप्टर्स पे आते हैं तो फिर हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को एड्रेस कर रहे होते हैं इसी तरह इन एक्शन वर्ब्स के साथ ना सिर्फ टीचर की लर्निंग में इंक्रीज़ आ रहा होता है बल्कि स्टूडेंट की रिसेप्शन में भी इंक्रीज़ आ रहा होता है तो ये एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है अब ब्लूम स्टाइल के क्वेश्चंस को शुरू कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट की डीपर थिंकिंग हो सके एक ही क्वेश्चन है अगर हम वो जो फाइव डब्ल्यूज़ हैं जिनसे हर क्वेश्चन शुरू होता है व्हाट वेयर व्हेन हाउ इस तरह की जो जो टर्म्स हैं अगर हम उनसे शुरू करते हैं तो सिर्फ हम स्टूडेंट को एक ख़ास स्ट्रीम में लेके जा रहे होते हैं लेकिन हमने देखा कि डिफरेंट एक्शन वर्ब से डिफरेंट टूल्स से हम ब्लूम स्टाइल के क्वेश्चन बनाने से डीपर थिंकिंग को इंस्टिगेट कर सकते हैं तो टीचर्स के लिए ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी की अंडरस्टैंडिंग उनको क्वेश्चन में फ्रेस करना अपना माफि जमीर पढ़ाते हुए बता देना बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आप देखेंगे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगी टीचर्स कैन यूज दिस टेक्सोनोमी टू डिफ्रेंशिएट द लेसन जैसा हमने देखा कि हर लेसन हर चैप्टर हर टॉपिक डिफरेंट कॉग्निटिव स्किल के ऊपर बना होता है तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस टॉपिक के लिए मैंने अपनी लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करना है और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मुझे रियल टाइम एनालाइज करके दिखाना पड़ेगा कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मुझे उनको कोई प्रोग्राम बना के दिखाना पड़ेगा तो इसके लिए हम अपने डिफरेंट लेक्चर्स को डिफरेंट लेसन्स को डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम टैग कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये है इसकी क्लासरूम की एप्लीकेशन ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी जब हम शुरू करते हैं आपने देखा होगा इसकी ओरिजिनल टेक्सानोमी में तो उसका नाम है ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ये है कि पढ़ाने के लिए मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यूज़ होगा पढ़ाने का आप सब लोग जानते हैं कि पर्पस क्या है स्टूडेंट्स की लर्निंग को इन्हांस करना लर्निंग को जज करने के लिए क्या तरीक़ाकार है वो असेसमेंट है तो ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी का रोल असेसमेंट में क्या है वो हम इस स्लाइड में देखेंगे ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी हेल्प्स द एजुकेटर टू स्ट्रक्चर रिलायबल ऑनलाइन असेसमेंट जैसे मैंने आपसे कहा कि रिलायबल ऑनलाइन असेसमेंट हम बनाएंगे रिलायबल क्यों होगी क्योंकि ना सिर्फ उसमें एक्शन वर्ब यूज़ हो रहा होगा ना सिर्फ उसके अंदर वो डिजिटल टूल यूज़ हो रहा होगा ना सिर्फ वो कंटेंट को उस तरह से ब्रेक डाउन करके एड्रेस कर रहा होगा इसलिए ये एक रिलायबल ऑनलाइन असेसमेंट है This is a chance for educators to be creative by utilizing all the levels of taxonomy and connecting it to the subject at hand. Teachers can prepare questions for assessment during online classes. हम इसमें real time questions भी दे सकते हैं। आप देखते हैं कि हम FAQ's का एक section है हमारे LMS में। हम FAQ's में भी questions को address करते हैं। हम reading material model courses का जो हमारा interface है, उसमें हम reading material भी स्टूडेंट्स uh, को प्रोवाइड uh, uh, करते हैं तो ना सिर्फ वो वीडियो देख रहे हैं बल्कि रीडिंग कंटेंट को देख भी रहे हैं तो अगर हम इसमें यूज़ कर लेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ स्टूडेंट्स कोइजिस भी दे सकते हैं हमारा कोइजिज़स का एक इंटरफेस मौजूद है हम आईसीटी को यूज़ करते हुए कहूट एक वेबसाइट है इसी तरह की भी तहाशा वेबसाइट्स हैं जिनको हम रियल टाइम में ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एम के लिए या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए असेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं हम एक्टिविटी बेस्ड इवेलुशन की तरफ भी जा सकते हैं और ऐसी मल्टीपल वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिस पर हम एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं तो टीचर ने इन डिफरेंट डिजिटल रिसोर्स को यूज़ करना है एक ऑनलाइन असेसमेंट बनाते हुए uh, जब हमने वो असेसमेंट बना ली तो या तो हम स्टूडेंट को डायरेक्टली दे सकते हैं जिसे हम रियल टाइम कह रहे हैं या हमारा जो दूसरा मॉड्यूल है जिसमें हम असेसमेंट कहते हैं असाइनमेंट कहते हैं या जीडीपी कहते हैं कि हम एक क्वेश्चन दे देते हैं और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनको हम वो ओपन करते हैं जिसके ऊपर वो अपनी क्वेश्चंस की अटैम्प्ट करते हैं तो वो भी एक ऑप्शन है ऑनलाइन लोगों ने उसके ऊपर कॉमेंट करना है इसी तरह इन्हीं ऑनलाइन टूल्स को यूज़ करते हुए हम पीयर असेसमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं यानी अभी तो जी ऐसे है कि स्टूडेंट्स uh, जब उसमें प्रेजेंट करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते या उसके ऊपर इवेलुएट नहीं कर सकते तो डिफरेंट ऐसे मॉड्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद हैं एप्लीकेशन मौजूद हैं जिसमें एक स्टूडेंट अगर अपना रिटर्न मटीरियल प्रोड्यूस करे तो दो स्टूडेंट्स या तीन स्टूडेंट्स या पाँच स्टूडेंट्स उसको इवेलुएट कर सकते हैं तो हमने ये देखना है कि हमारी उस टाइम असेसमेंट की नीड क्या है और पर्पस क्या है हम कौन से लेवल को उस टाइम हिट कर रहे हैं स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए अगर हम जजमेंट के लिए या इवेल्यूटिंग के लिए या क्रिएटिंग की स्किल्स को जज कर रहे हैं तो फिर हम ये मल्टीपल स्ट्रीम्स जो अभी मैंने बताई हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब का पर्पज़ क्या है कि स्टूडेंट की लर्निंग इम्प्रूव हो क्लासरूम टीचिंग बेहतर हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर हो थैंक यू वेरी मच